हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया ने बॉलीवुड एक्टर्स को कहा इनसिक्योर। लुक हु इज टॉकिंग। नादिया की माने तो बॉलीवुड के सभी दिग्गज कलाकार पाकिस्तानी एक्ट्रेस से डरे हुए हैं। उनके मुताबिक शाहरुख खान को डर है कि कहीं उनकी बादशाहत ना छिन जाए। सलमान भी अपनी बॉलीवुड के भाई की इमेज को संभालने में लगे हुए हैं। वहीं आमिर भी परफेक्शनिस्ट को संभाले संभाले घूम रहे हैं। और तो और रणवीर, अक्षय, टाइगर, अजय देवगन जैसे कलाकार भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि कोई और उनकी कुर्सी ना छीन ले जाए। क्यों ऐसा ही कुछ कहना चाह रही है ना नादिया? अपने डर को कैसे दूर किया जाता है तो कोई नादिया से सीखे, जिनके स्टार्स खुद बॉलीवुड में आकर काम कर चुके हैं और तो और दोबारा बॉलीवुड में काम करने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। उनके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। माना पाकिस्तानी सितारे अच्छा काम करते हैं, भारत में लोग उनको पसंद भी करते हैं। पीपल इन इंडिया लव टू वॉच देयर शोज। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे यहाँ के सुपरस्टार्स इनसिक्योर हो गए हैं। हम भारतीय होते ही ऐसे हैं कि हम अपने देश में आने वाले लोगों का स्वागत दिल से करते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी और देश के। एंड सिंस पाकिस्तान में भी हिंदी बोली जाती है, इसीलिए पाकिस्तानी कलाकार आसानी से हिंदी डायलॉग्स को बोल लेते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में पब्लिक लव्स पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस। मानते तो हो ना आप, चाहे वो फवाद खान हो या फिर लेटेस्ट सेंसेशन वहाज अली, भारत के लोग इन्हें और इनके एक्टिंग को देखना बेहद पसंद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी इंडिया से मिल रहे प्यार, आदर और सत्कार से बेहद खुश है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने एरिया में इनको इतना घुसने देंगे कि ये हमारा घर ही छीन ले। नाजिया जी, ये तो वो ही बात हो गई कि हमने उंगली पकड़ाई और आप पूरा हाथ पकड़ने की बात कर रही हैं। आप शायद भूल गई हैं कि हमारे बॉलीवुड के कलाकार ग्लोबल एक्टर्स हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, वो हॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, ऑस्कर्स ला रहे हैं और तो और तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स के ग्लोबल एम्बेसडर्स भी बने हुए हैं। ऐसे में ये लोग क्यों इनसिक्योर होंगे? इन लोगों को बाहर की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर के लिए बुलाया जाता है और तो और बाहर के देशों में सम्मानित किया जाता है। क्या इतनी पहुंच आपके देश के सितारों की है? इस बारे में चर्चा ना ही करें तो अच्छा है। खैर, हम इस बात को भी नहीं नकार रहे कि आपके शोज भी अच्छे होते हैं और अब तो OTT आने के बाद दुनिया के हर कोनों में आपके सितारों के शोज देखे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत में आपके शोज को पसंद किया जाता है। अब इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स में भी देखने को मिलते हैं ये शोज, पर अब ये सितारे सिर्फ OTT तक सीमित रह गए हैं। कहीं ये आपकी टीस तो नहीं? दरअसल आफ्टर फवाद खान इन ए दिल है मुश्किल, पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो चुका है। अब वजह टेंशन एट द बॉर्डर्स भी हो सकती है या फिर पॉलिटिकल रिलेशंस। भाई वजह जो भी रही हो, पर अब पाकिस्तानी एक्टर्स तो अब भारत में बैन हो चुके हैं, इसीलिए बॉलीवुड में इनके लिए कोई जगह नहीं है। शायद इसी की टीस है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस और कमेंटेटर नादिया खान ने फिर एक बोल्डनेस दिखाई। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नादिया खान किसी बोल्ड एक्शन के लिए सामने आई है। वो जानी ही जाती हैं अपने मोटर माउथ के लिए। इसी वजह से इन द पास्ट शी हैज ट्रोल्ड पाक एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एज वेल। दरअसल एक वीडियो में नादिया ने कहा था कि पाक एक्टर्स वेयर बैंड इन इंडिया क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स आर इनसिक्योर। और तो और इन्होंने बॉलीवुड के खानों को भी नहीं बख्शा। तभी नादिया के इस बयान से इंडियन नेटिजन्स भी अपसेट हो गए हैं। काम तो पहले ही बंद हो चुका था, नादिया के इस बयान के बाद से बाकी के दरवाजे भी बंद हो गए। पर अब नादिया खान के इस बयान से इंडियन नेटिजन्स तो नाराज हो ही चुके हैं, साथ ही इन्होंने पूरे बॉलीवुड को भी अपने खिलाफ कर दिया। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।